अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए पिज्जा की रेसिपी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम पिज्जा की डो बनाएंगे। तो पिज्जा की डो बनाने के लिए हमने ले लिया तकरीबन 1 किलो मैदा, 20 ग्राम के करीब नमक, 40 ग्राम ईस्ट, 20 ग्राम चीनी, 50 ग्राम ऑयल। तो हम ये सारे खुश आटे में शामिल करेंगे, चीनी डालेंगे, नमक, ईस्ट, उसके बाद ऑयल शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिला लेंगे तमाम मिला। अब हम इसे भूनना स्टार्ट करेंगे। भूनने के लिए थोड़ा पानी डाल चुके हैं। दो तकरीबन 4 पिज्जा के लिए आराम से लार्ज पिज्जा 4 बन गए हैं। 4 पिज्जा के लिए काफी है। सॉफ्ट बनने की कोशिश करेंगे। तैयार है, हम इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। कवर करके तकरीबन 2 घंटे में हम पिज्जा के दूसरे स्टेप पे, यानी कि उसका चिकन टिक्का बनाने में, चिकन टिक्का पिज्जा बनाया, इसके लिए हमने 1/2 किलो बोनलेस चिकन ले ली, छोटी बोटियों में काट ली, 125 ग्राम दही लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट जो हम इसमें डाल रहे हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून सफेद जीरा पाउडर। अब हम ये सब मसाले इसमें शामिल कर रहे हैं, साथ में हम दही को भी फेंट कर रहे हैं। मिक्स करके हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। ये पिज्जे के तीसरे स्टेप पे, यानी कि पिज्जा सॉस, वैसे तो बाजार से तैयार मिलती है लेकिन घर की जो पिज्जा सॉस है मुझे वही पसंद है, मैं वो बनाती हूँ। अगर आप लोग बाजार की तैयार पिज्जा सॉस खाना चाहते हैं तो वहाँ बनवा लो, उनके लिए जिन चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए हमने 2 छोटी प्याज बारीक चॉप कर ली, 4 जवे लहसुन के ले लिए, 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने ले लिया ऑरिगानो, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। अब हम शुरू करते हैं पिज्जा सॉस बनाने का। और तकरीबन 1/2 किलो टमाटर मैंने इस तरह ब्लेंड करके रख दी है, 1/2 किलो टमाटर हमने ये लिए और ये हमने ब्लेंड करके रख दिए। थोड़ा थोड़ा कच्चा पन लेके खत्म हुआ अलग है, यहाँ से थोड़ा रंग बदलना शुरू किया, इसलिए हम अब डाल देंगे जो हमने लहसुन लाए रखे हुए थे उसको हमने बारीक चॉप कर लिया, 3 से 4 जाए और फिर उसके साथ कर लिए फ्राई। कच्चा पन खत्म हो जाए लहसुन का भी तो जिससे टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन पक जाए इसमें छोड़ने लग गए, लहसुन की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें हम टमाटर का पेस्ट का ये शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1/2 किलो टमाटर है जो मैंने ब्लेंड की थी, कि अगर पिज्जा सॉस बच जाती है तो बाद में टमाटर का पानी खुश्क होने को आया। अब हम इसमें सूखे मसाले
इसी तरह बुनाई करनी है केक पे। वहाँ मसाले भी मिक्स हो गए हैं, मतलब क्या है थोड़ी बहुत शामिल की थी वो भी हल हो गई है, सब चीजें गल चुकी हैं। अब पेस्ट में ऑयल हमने क्योंकि थोड़ा डाला था, जाहिर है हमें पिज्जा सॉस में ऑयल का पत्ता हो तो नहीं होता, अभी शाइनिंग हो गई तो इसका मकसद ये है। ये रेडी अब हम इसमें 2 टेबल स्पून केचप शामिल करेंगे। ये आपकी पिज्जा सॉस रेडी है, हम सब्जियां भी निकालेंगे। हम तीसरा स्टेप जो टिक्का बनाने का था उसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने पैन रखा, हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डाला, उसके बाद हमने ये जो मसाला मैंने ऐड किया हुआ था चिकन पे, जो पकने के लिए हमने रख दिया, तब तक इतना पानी खुश्क होएगा इसका, तो फिर हम पानी खुश्क हो गया। टिक्के की डो तैयार है। अगर आप इसको तंदूरी चिकन टिक्का बनाना चाहते हैं तो कोयले की धुआं दे देंगे तो उसे तंदूरी चिकन टिक्का बन जाएगा, और ये स्मोक वाला बच्चे सोचते नहीं खाते। रेडी कर दिया, रिजल्ट बनाया माम हमारे चिकन का, ये देखिए अगर 2 घंटे में लाने दे कितनी इसमें तैयार कर देंगे। इसे पहले साफ करेंगे, तैयार निकल चुकी मुकम्मल। अब हमें एक पिज्जा पैन लेंगे, ग्रीस करेंगे थोड़ा सा आगे से, ये रखेंगे। मैं पिज्जे को बेलती नहीं हूँ, हाथों से ही मैनेज करेंगे हम इसको, क्योंकि डो नरम होती है तो हाथों से ही सांचे में पूरी हो जाती है। हमने कांच से सांचे के ऊपर फिक्स कर लिया, ये पूरा गोल बन गया। अब हम सबसे पहले सॉस डालेंगे जो हमने घर में तैयार की थी, अच्छी तरह सब जगह लगा दिया। रमी टिक्का अच्छी तरह चिकन टिक्का विस्तों में डालें ताकि जब कटिंग हो तो हर जगह पे चिकन मर जाए। उसके बाद हमने शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाली, प्याज ले लें, और टमाटर हमने बीच से बीज का हिस्सा उसका निकाल के इसको ऐसे कटिंग कर ली थी, बीज वाला पार्ट निकाल दिया था हमने, हमने ऐसे कटिंग कर दी। ऑलिव डालेंगे, वैसे इसमें ब्लैक डालते हैं लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्योंकि ग्रीन ऑलिव है तो मैं ग्रीन ऑलिव डाल रही हूँ। जैसे एक मोज़रेला चीज डालेंगे, आप चाहें तो मोज़रेला और चेडर मिला के डाल सकती हैं। चीज डाल दें मोज़रेला चीज, मोज़रेला के साथ बहुत से लोग चेडर चीज मिला के डालते हैं, मुझे चेडर चीज का टेस्ट इतना पसंद नहीं इसलिए मैं सिर्फ मोज़रेला चीज डालती हूँ। आपके टेस्ट के ऊपर चीज आप जिस तरह की चाहते हैं। अब ये तैयार है, हमने गर्म करने के रख दिया था, पत्थर इसलिए डाले गए थे कि पत्थर जब ये पत्थर बिछा दिए जाते हैं तो अपने घट्टी का हिसाब किताब हो जाता है, ये फटाफट बेल्ट हो जाता है, तकरीबन 10 मिनट में एक पिज्जा बेक होता है। अब हमें इसके ऊपर रखेंगे और कवर कर देंगे, तकरीबन 12 मिनट बाद हम इसको ढक। पिज्जा तैयार है,